बड़ी खबर बागेश्वर धाम से जुड़ी हुई है। बागेश्वर बाबा बागेश्वर के भाई के खिलाफ FIR दर्ज हुई है। भाई पर SC ST एक्ट समेत कई धाराएं लगाई गई हैं। दलित परिवार को धमकाने का पूरा मामला है और बाबा के भाई का वीडियो वायरल हुआ था जिसमें वो हाथ में तमंचा लिए गाली गलौज और मारपीट करते हुए नजर आ रहा था। बताया गया कि बाबा बागेश्वर का भाई एक दलित परिवार के शादी समारोह में पहुंचा और हंगामा किया, उन्हें धमकाया, मारपीट भी की, क्योंकि उस परिवार के लोग बागेश्वर धाम में हुए सामूहिक विवाह के कार्यक्रम में शामिल नहीं हुए थे। ये बड़ा अपडेट इस वक्त हम आपको दे रहे हैं। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के भाई पर FIR दर्ज हो गई है। ब्रजेश राजपूत हमारे सहयोगी जुड़ गए। ब्रजेश, पूरा अपडेट क्या है, पूरी जानकारी क्या है इस मामले से जुड़ी हुई? हाँ, देखिए, बागेश्वर धाम के जो महाराज हैं धीरेन्द्र शास्त्री, उनका एक भाई है शालिग्राम गर्ग, जो ऐसे ही हरकतों में पहले से भी इन्वॉल्व रहा है। उसने 11 तारीख को गढ़ा गांव में एक जो शादी हो रही थी दलित परिवार की, वहाँ कुछ लोग ही बज रहे होंगे, ये वहाँ उनको धमकाने पहुंच गया कि यदि एक तो आप पहले कुछ सामाजिक विवाह समेले में शादी नहीं कर रहे, पहली गलती की। दूसरी गलती ये की कि आप ऐसे गाने बजा रहे हैं जो हमको पसंद नहीं है, ये लोकगीत या राग मत बजाइए, जो बागेश्वर धाम के गाने हैं वो बजाइए। इसके बाद फिर वहाँ विवाद हुआ, उसने अपना कट्टा लेकर लहराया और लोगों को धमकाया, और इसके बाद फिर उन लोगों ने माफी मांगी, तब से बात खत्म हुई वहाँ पे। मगर जिस तरीके से पूरा वीडियो रिकॉर्ड किया गया, उसके बाद से पुलिस पर बड़ा दबाव था कि किसी तरह मामला दर्ज किया जाए। पुलिस ने कमेटी बनाई, कमेटी ने माना कि ये वीडियो इसी व्यक्ति का है, और आज कल रात में उससे SC ST एक्ट और मारपीट, धमकाना, गाली गलौज करने, इन तमाम धाराओं में मामला दर्ज हो गया है। जी बहुत शुक्रिया ब्रजेश राजपूत आपका इस पूरी जानकारी के लिए।